धीरेन्द्र रांधेजा कॉमेडी शो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ट्रिंग, थैंक यू। भगवान, कैसा आदमी मुझे दे दिया। भगवान, हाय मंजू, हाय 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 हाय। तेरे घर से ढोल बजने की आवाज आ रही है? मेरे वो बजा रहे। अच्छा, दुबई बजा रहे, यानी ढोल बजाना सीख रहे हैं। अरे मंजू, ये तो अच्छी बात है। जब हम भजन का प्रोग्राम रखेंगे ना, तो जीतू भाई की ढोल बजाएंगे, हमको ढोली बुलाने की जरूरत नहीं होगी। अब ये तुझे भजन में बजने वाला ढोल लग रहा है? धबर 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 बजा रहा है, वैसे मेरा दिमाग खराब कर दिया। लेकिन जीतू भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनको जब गुस्सा आता है ना, तब वो ढोली बजाते हैं। ले, ये तो मैंने नया सुना, अगर किसी को गुस्सा आए तो मारपीट करे, गालियां दे, लेकिन ढोल बजाना ऐसा क्यों कर रहे हैं? तू खुद ही पूछ लेना, सुबह से ये मेरा दिमाग खा रहे हैं और तू मेरा दिमाग खाए। तू खुद पूछ लेना, जब भी ढोल बजाना बंद करे ना, तो तू खुद पूछ लेना और मुझे भी बताना, मुझे भी जानना है कि ढोल क्यों बजा रहे। पूछ लेना तू। अरे बजा लेना। अब तो जानना पड़ेगा कि जीतू भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं। नमस्ते जीतू भाई। नमस्ते। आप बाहर क्यों बैठे हो? नहीं बैठ सकता, गांव के बाहर जाके बैठू। अरे नहीं नहीं जीतू भाई, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। जीतू भाई, आपसे एक बात पूछनी थी कि आप गुस्सा होते हो तो ढोल क्यों बजाते हो? अरे मैं ढोल बजाऊ, नगारा बजाऊ या मेरा सर फोड़ू, आपको कोई मतलब है? आ गए बड़े पंचायत करने। बोल दूं आपके लुखेश पति की बात बोलूं? अभी उसका पूरा चिट्ठा खोल दूंगा मैं इधर। जीतू भाई नमस्ते। पड़ो रस्ते। नमस्ते। अरे मैं डीजे बजाऊं या ढोल बजाऊं, इनको क्या है यार? ढोल क्यों बजाते हो? ढोल बजना शुरू हो गया, पता करना पड़ेगा कि ये ढोल क्यों बजा रहे हैं। बुढ़िया, तो क्या कह रही थी? मेरी लड़की तो बड़ी सुशील है। सुशील 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 और बोल रही थी मेरी लड़की बड़ी संस्कारी थी, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब तेरी बेटी की बारी। आओ, दांत दिखा रहे हो? दांत कर दूंगा, 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 दूंगा। आंखें दिखाती है? शादी से पहले मैं कितना हट्टा कट्टा था, मेरा खून पी पी के मुझे ऐसा कर दिया और वो मेरा खून पी के इतनी ताजी हो गई। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तूने, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जीतू भाई, अरे आइए ना, बैठिए। जीतू भाई, ढोल छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे सब पता चल गया। एक साइड पे मंजू की फोटो है, एक साइड पे उसकी मम्मी की फोटो है। ये क्या है, बैठे बैठे फ्री टाइम में थोड़ी मस्ती मजाक करता रहता हूँ। अभी मुझे मंजू को बताना पड़ेगा कि जीतू भाई ढोल क्यों बजा रहे हैं। अरे कुछ मत बताओ, हम साथ में मिलके ढोल बजा। अरे अरे सुनिए। मुझे आप इस साइड पे इसका फोटो लगा के बजाना पड़ेगा। मंजू, क्या बोल रहे थे? रानी बना के रखूंगा तुझे, नौकरानी बना के छोड़ दिया मुझे। और आप सासू माँ, क्या बोल रहे थे?
बक दिया सब? कुछ बकने जैसा है ही नहीं। क्यों, ऐसा तो निकले थे ना कि मैं अभी बंजू को बता दूंगी, तो क्यों नहीं बताया? चलिए चलिए। क्या बोल रहा था? देश विदेश की यात्रा करवाऊंगा। अरे गांव के तालाब से आगे नहीं लेके गया मुझे। रुक तू। और तुम राज माता, ये तुम्हारा ही सुपुत्र है ना, तुम्हारी भी गलती है। देख लिया? सब देख लिया और जान भी लिया। और आपने सब रहस्य जान लिए हैं तो इधर से कल्टी मारो। चलो आ गए बड़े। मुझे तो लगा था कि मैं उसे पीट रहा हूँ, मैं बहुत खुश हो रहा था, लेकिन ये तो मुझे कूट रही है। पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और हाँ, मैं भी जाऊंगा बड़ा ढोल लेने और बड़ा सा फोटो चिपका के मैं उसको कूटूंगा। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, जा रहा हूँ ढोल लेने।